चेहरे पे मुस्कुराहट, उनकी वॉच आई है। देखो दोस्तों क्या हंस रहे हैं, और ये देखो दो दो वॉच आई, ये भी और ये भी। देखो ये भैया भी तो। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज देखो 11:30 बज चुके हैं और नींद से उठा और पार्सल आए थे फ्लिपकार्ट के भैया के, तो बस वो कलेक्ट करने गए थे हम। तो देखा था यू आपको क्या है पार्सल। और दोस्तों कल का व्लॉग कैसे लगा फ्रेशर्स पार्टी का, कमेंट में ज़रूर बताना। अभी चलो भैया पार्सल लाए, देखते उनके हाथों से ही अनबॉक्सिंग करवाते हैं और क्या क्या है वही दिखाता हूँ भैया। और ये दो पार्सल है भैया, आपके शुभ हाथों से इसको अनबॉक्स कीजिए। नहीं नहीं चलो, ये देखो शिव मास्क लगाया दोस्तों इसने, मुंह छुपाने वाला काम किया। और ये भैया देखो उसके हाथों से, दोस्तों क्या है अभी वो तो नहीं पता। देखो दोस्तों मुंह छुपा के अनबॉक्सिंग कर रहा है। दोस्तों देखो इनके वॉचेस आ चुकी है शिव और भैया की। तो देखो भैया के चेहरे पे मुस्कुराहट, उनकी वॉच आई है। देखो दोस्तों क्या हंस रहे हैं, और ये देखो दो दो वॉच आई, ये भी और ये भी। देखो ये भैया भी आ चुके हैं वॉच देखने के लिए। ये देखो दिवाली का गिफ्ट, नहीं दशहरा का, ये देखो गिफ्ट दे रहे। बस बस बहुत नौटंकी। और ये अभी बस खोल के देखते हैं, और एक पार्सल है दोस्तों तो दिखाता है यू इसमें भी क्या है। देखो भैया भी आ चुके हैं, इनका भी प्रेजेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखो दोनों की घड़ी आ चुकी है दोस्तों, ये देखो ये भैया और ये भी खुश। अभी बस ये और एक पार्सल आ गया है, क्या पता इसमें क्या है। देखो चैतन्य भैया के शुभ हाथों से इसका भी अभी फाड़फूड़करण हो रहा है। देखो दोस्तों बहुत खुश लग रहे हैं दोनों अपनी हथेली पे घड़ी बांधते हुए। और ये यहाँ शूज आ गया है, ये शूज भी हमारे ओम भाऊ का है, तो देख ही सकते हो दोस्तों शूज भी आ चुका है इनका। मतलब दिवाली बहुत जोरों शोरों से। ओम भाऊ क्या कहना है आपका? हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली दोस्तों, देखो हैप्पी दिवाली इन एडवांस। और ये देखो ये तो वॉच में ही है। ये देखो दोस्तों शूज, अभी शूज पहन के देखेंगे, अपना शूज तो है ही उधर, देख ही सकते हो पुराना हो गया वो भी, लेकिन ये नया शूज है। अभी बस पहनते हैं भैया लोग, सब देख लेते हैं कैसा क्या है, सही है क्या। और इसका तो पक्का हो गया, ये तो बहुत खुश है। देखो दोस्तों चेहरा तो नहीं दिखा रहा लेकिन बहुत ज्यादा खुश है। और ये दोस्तों लैपटॉप ले रहा है ये, तो देखो उसका कोटेशन वगैरह निकाल रहा है। अभी बस इसकी भी दिवाली अच्छी है, भैया की भी दिवाली है। और भैया शूज पहन के देख रहे हैं, एक ये पैर में ये भैया, दूसरे पैर में दूसरे भैया। तो चलो दोस्तों अभी बस देखते हैं कैसा क्या है। तो देखो दोस्तों कैसा लग रहा है शूज पैर में कमेंट करके बताना, और घड़ी कैसी लग रही है हाथ में ये भी कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। दोस्तों देखो दोपहर में भैया के ऑर्डर वगैरह आए, वो सब देख लिया और फिर थोड़ा आराम किया, प्रैक्टिकल्स वगैरह लिखे और नहा लिया दोस्तों। तो अभी शाम हो चुकी है, मतलब शाम क्या 8 बज चुके हैं, तो चलते हैं खाना खाने। और आज कोजागिरी पूर्णिमा भी है दोस्तों, तो देखते हैं दूध वूध कहीं पीने मिलेगा, अच्छा मसाला दूध तो देखेंगे। अभी फटाफट चलते हैं खाना खाने, क्योंकि पापे पे भीड़ है जो मैं इसमें जाना है, तो चलते हैं। और फिर वहां से दोस्त लोग मिलेंगे तो उनके साथ देखते हैं कहीं जाएंगे। और दोस्तों कल का व्लॉग तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आपका, कैसे लगा कमेंट में बहुत लोगों ने नहीं लिखा दोस्तों, तो जरूर जाइए लिखिए, और एक लाइक तो बनता है दोस्तों, बहुत मेहनत लगी। 16 मिनट का व्लॉग था फ्रेशर्स का, कॉपीराइट वगैरह सब इशू सॉर्ट आउट करके शाम को व्लॉग अपलोड किया मैंने 7 बजे, तो भी बहुत लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो थैंक यू। तो चलो अभी निकलते फटाफट खाना खाने जाना है। ये देखो ओम भैया पीछे देखो डांस कर रहे हैं, अभी ये भी जा रहे हैं बाहर। दोस्तों खाना खाने आया था, खाना वगैरह तो हो गया,
अभी देखो दोस्तों, ये मेला दशहरा का मेला था, दशहरा तो ख़त्म होके 4-5 दिन हो गए, लेकिन अभी तक मेला नहीं हटा और ये तो खाली ही घूमता है दोस्तों झूला, इसमें कोई बैठता भी नहीं, 1-2 जन बैठते हैं, फिर भी चल रहा है, कोई नहीं, अच्छा है, उतना ही अच्छा लगता है बाहर आए घूमने तो, मेला वगैरह दिखता है, लेकिन कुछ काम का नहीं है अभी। खाना खाने आए थे, खाना वगैरह तो हो गया, अभी प्रणव मिल चुका है और एक आया, ये आदित्य देखो दोस्तों, अभी ट्यूशन से आया, मैकेनिक्स के ट्यूशन लगाई दोस्तों इसने, और ये प्रणव ये भी जाता है M1 के ट्यूशन को और दोस्तों बस चौक में, तो चलो दोस्तों अभी बस देखते इनका क्या कहना है, थोड़ा घूमते हैं यही, क्योंकि रूम में भी बैठ के क्या करना है, फिर वापस जाएंगे, थोड़ा पढ़ूंगा मैं और फिर गंदी गंदी बातें बोलता है, तो चलो दोस्तों मुंह छुपा रहा है लेकिन उसका मुंह मैं दिखा के रहूंगा। ये देखो ये आदित्य है, और मंदिर तो बंद है दोस्तों आज वैष्णो माता का। तो देखो इन्होंने खाना नहीं खाया और वड़ा पाव खा रहे हैं, ये देखो और ये देखो ये आदित्य अभी कॉलेज से आया है, ये भी वड़ा पाव खा रहा है, तो चलो इनको वड़ा पाव खाने देते हैं। दोस्तों मैंने तो खाना वगैरह खा लिया, तो चलो अभी बस रूम पे चलते हैं थोड़ी देर में। देखो अभी ओम भी आ चुका है, ये देखो दोस्तों वड़ा पाव खा रहे हैं, यहाँ हम 5 जन है, एक ये भी है, ये देखो ये भी वड़ा पाव खा रहा है साथ साथ देखो इसका वड़ा पाव खा रहा है कुत्ता। तो दोस्तों देखो यहाँ ये जो डॉग है ये परेशान कर रहा है, तो कोई नहीं, अच्छा भी लग रहा है, लेकिन इनका वड़ा पाव खा ले रहा है, थोड़ा थोड़ा डालना पड़ रहा है, नहीं तो जा नहीं रहा है। तो चलो ये कुछ हंसी मजाक थी, लेकिन ज़्यादा मजाक भी नहीं करनी चाहिए जानवर के साथ। तो अभी बस फटाफट खाने देते हैं और निकलते हैं यहाँ से। चलो दोस्तों अभी रूम पे चलते हैं फटाफट। दोस्तों ये देखो यहाँ शेगांव कचौरी का ब्लॉग, ये देखो यहाँ शेगांव कचौरी का दोस्तों दुकान है, अमरावती में 12 रुपए की 2 मिलती है, यहाँ 15 की 1 मिलती है दोस्तों, और चटनी भी इतनी कुछ खास नहीं है। तो चलो कोई नहीं, पुणे में तो क्या अच्छा मिलेगा, यहाँ का फेमस है वही अच्छा मिलता है। दोस्तों देखो यहाँ गौरव मिल चुका है, दूध पी रहा है दोस्तों, आज कोजागिरी पूर्णिमा है, तो ये देखो गौरव देखो फाइनली ब्लॉग में आ ही चुका है, और ये प्रणव है, अभी ये भी पीने वाला है तो चलो दोस्तों अभी बस कोजागिरी पूर्णिमा है। दोस्तों फाइनली हमने मसाला दूध ले लिया है, ये देखो शिव और प्रणव है, और गौरव दोस्त मिला था उसने तो लिया, लेकिन हम दूसरी जगह आए हैं दोस्तों, ये देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, हर जगह आज भीड़ है, जहाँ जहाँ मसाला दूध मिल रहा है, क्योंकि आज फेस्टिवल ही है उसका, सब लोग पीने आते हैं, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है, लेकिन हर रोज 20 रुपये में जितनी क्वांटिटी देते हैं दोस्तों उससे आधी दे रहे हैं आज। तो दोस्तों देखो अभी दोस्तों के साथ बाहर गया था, दूध वगैरह पी लिया, अभी रूम पे के भैया लोग तो नहीं आए क्योंकि उनको काम था, वो दूसरी जगह गए थे, तो बस अभी आज का ब्लॉग ऐसा कुछ बना दोस्तों, क्योंकि सैटरडे था और लेट से उठना हुआ और फिर ज़्यादा कुछ हुआ भी नहीं, और कल फ्रेशर्स पार्टी थी तो उसकी थकान भी थी तो थोड़ा सो गया था, तो लेकिन कल संडे है, कल अच्छा ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो चलो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और आप सभी को कोजागिरी पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मराठी में कोजागिरी पूर्णिमा बोलते हैं, हिंदी में शरद पूर्णिमा बोलते हैं, तो दोनों की भी शुभकामनाएं, दोनों बल्कि एक ही है। तो चलो दोस्तों आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं ऐसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, गुड बाय।